आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। इस पर्व पर श्री साईं बाबा सेवा आश्रम शिरडी धाम करगी रोड कोटा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में प्रातः 5 बजे से साईं बाबा की विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। आज साईं भक्तों के सौजन्य से यहाँ पर भंडारा का आयोजन है, जिसमें जो सहयोग दिए हैं जो नहीं दिए हैं साईं बाबा उनकी आज सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करें। श्री साईं बाबा सेवा आश्रम संचालन समिति के अध्यक्ष श्रीमती नीना गुप्ता, मैं सचिव कैलाश चंद गुप्ता, सह सचिव रामचंद गुप्ता, प्रचार सचिव धर्मेंद्र गहरी एवं महिला मंडल की सचिव श्रीमती अश्वनी बघेल का इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा सहयोग था, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। आज के दिन श्री साईं बाबा ने अपने भक्तों का कल्याण किया। आज के दिन गणु जी ने साईं बाबा के पास गए और बोले, मैं गंगा प्रयाग स्नान करना चाहता हूँ। साईं बाबा ने द्वारका माई में सील पत्थर पर बैठकर अपने चरणों में ऐसा चमत्कार दिखाया कि एक में गंगा जल और एक में बाबा का यमुना की धार बहने लगी। मेरा तीर्थ यही है, यही शिरडी है और यही चारों धाम है। आप भी इस आश्रम में हमेशा हर गुरुवार को जो गरीबों को भोजन कराया जाता है, इसमें सहयोग प्रदान करो। गुरु दक्षिणा में साईं धाम में साईं बाबा को लकड़ी का दान करिए, साईं बाबा को तेल का दान करिए, साईं बाबा के भंडारा के लिए दान करिए, ताकि साईं बाबा आपकी पुकार को सुनेंगे और आपकी कल्याण करेंगे। आज यहाँ पर शाम के कीर्तन का भी आयोजन है, रामायण का भी आयोजन है और साईं बाबा की प्री चावड़ी, जो 3 साल तक बरसात में बाबा चावड़ी में नहीं बैठते थे, वह चावड़ी साईं भक्तों के सौजन्य से बन के तैयार हो गई है। आज साईं बाबा अपनी चावड़ी में विराजमान होंगे और साईं बाबा की आज पावन पालकी भी चावड़ी में स्थापित होगा। आपको श्री साईं बाबा की चावड़ी का दर्शन करा रहे हैं। यह चावड़ी वह चावड़ी है जो शिरडी में साईं बाबा ने चौपाल लगाया करते थे, गरीबों की सेवा करते थे और एक दिन के आड़ में बाबा द्वारका माई में से आकर यहाँ पर विश्राम किया करते थे। वही चावड़ी आज शिरडी धाम कोटा में आप भक्तों के सौजन्य से बनके तैयार हो गई है। उस समय के बाद साईं बाबा इस चावड़ी पर आसन ग्रहण करेंगे और इस चावड़ी में जो जो भक्त बिजली की व्यवस्था, टीन की व्यवस्था, जाली की व्यवस्था, छड़ की व्यवस्था, घंटे की व्यवस्था, जो जो भक्त सहयोग दिए हैं और नहीं दिए हैं, साईं बाबा उनकी सब प्रकार की मनोकामना पूरी कर रही है। वह चावड़ी है जहां बाबा साक्षात तौर में विराजमान होते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।